जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है माउंटेन फौजी में, और मैं हूं आपका फौजी भाई माउंटेन फौजी। आज का हमारा टॉपिक है SSGD 2022-23 की जो वैकेंसी खुली है 45,000 पद के लिए, उसकी लास्ट डेट है दोस्तों कल, यानी 30 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। तो जो मेरे भाई तैयारी कर रही है SSGD का और जो फॉर्म भरने से वंचित रह चुके हैं, उनके लिए कल का दिन लास्ट दिन है, 30 तारीख का कल फॉर्म भर दीजिएगा। और बात करते हैं कि आपको क्या तैयारी करना है और किस तरह से आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको इन 8 फोर्स में से एक पोस्ट मिल ही जाए। बहुत सी सीटें इस बार खुली है, डबल वैकेंसी हुई है, उस पर भी कई वीडियो बनाए हैं, लिंक आपको दे दूंगा, आप नीचे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की, तो मैथ आएगा आपको 20 नंबर पे, और GS GK आएगा 20 नंबर पे, रीजनिंग आएगा 20 नंबर पे, हिंदी आएगा आपका 20 नंबर पे, टोटल है 80 नंबर। तो भाई 80 नंबर तो है, 60 मिनट आपके पास टाइम है, 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 60 मिनट में, तो सोचिएगा। तो अगर आप पूरा कितना भी जोर लगा दीजिएगा तो निगेटिव मार्किंग भी इसमें है, तो इस बात का ध्यान, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि निगेटिव मार्किंग है। आप अगर गलत क्वेश्चन कर देंगे तो आपका जो नंबर आने वाला है वो भी निगेटिव मार्किंग से कम हो सकता है। तो आपको भाई ज़्यादा मैथ पर उतना जोर मत दीजिएगा, मेरी मतलब पर्सनल राय कि मैथ आप करिएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि 60 मिनट बहुत कम समय है, कब आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। आप मैथ के ऊपर नहीं, आपको जो आसान लगता है, ये एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको जो मैंने खुद आपने अपने टाइम में जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी करता था उस टाइम में खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो आपको सबसे इजी और आसान क्वेश्चन लगता है सबसे पहले उसको टिक कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी, भाई हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, सबको पता ही है, हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको लगता है तो उसको फटाफट से टाइम देके इसको कवर कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, लास्ट में हम सोचते हैं कि आसान वाला लास्ट में करेंगे और वही हमसे टाइम कम होने की वजह से जो हमारे को आता है वो भी छूट जाता है। तो ये हमारे साथ क्या, अक्सर मेरे जो भाई ये SSGD का तैयारी करते आ रहे हैं उनके अक्सर ऐसे होता ही है, और लास्ट में क्या है ना, जो हमको आता है ना वो भी छूट जाता है। तो इस चीज़ को खास से ध्यान में रखिएगा। और हिंदी जैसे हो गया आपका, GS GK हो गया, रीजनिंग हो गया, भाई ये ऐसे सब्जेक्ट है ना, आपको इसमें से 60 नंबर तो आना ही चाहिए, एकदम आना चाहिए 60 नंबर कन्फर्म। और इसके बाद जो बचता है ना आपका मैथ, तो मैथ में भी क्या है ना भाई, जिसका है वो तो लाएगा ही लाएगा, और जिसको नहीं है थोड़ा सा तो वो इसको निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको जो आता है वो कवर करने की कोशिश करिएगा। और बाकी भाई ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको 60 नहीं तो कम से कम 55 नंबर, तो 55-56 नंबर तो आपको आना ही आना है, तब जाके आपका कई मेरिट बनेगा। और जो आपने फर्स्ट चॉइस दिया है, मान लीजिए किसी मेरे भाई ने SSF दिया होगा, किसी ने NCP दिया होगा, CISF दिया होगा, तो भाई इनका जो मेरिट है ना वो मैं बता दूं कि मतलब 70-60 के ऊपर ही मान के चलिए। हालांकि ये कोई निश्चित नहीं है, ये मेरिट कम ज़्यादा होते रहता है, ऊपर होते रहता है, कभी नीचे होगा, लेकिन आप अपना पूरा प्रयास कीजिए कि पूरा अच्छा नंबर लाने का। और चार जो आपके वो ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शन में से आपको मैंने पहले बताया कि चार में से आपको पहले डिसाइड करना है कि जो आपका दो लगता है कि आपको बिल्कुल गलत है उसको साइड कर दीजिए, और तो जो दो बचा है उसमें से एक को आप टिक करिएगा कि जो मतलब आपको 100% है, तब उस पर तुक्का आजमाइए। बाकी तो आप बिल्कुल जो श्योर है पहले उसको कवर कीजिएगा। अगर आप श्योर क्वेश्चन को, अगर आपका 50 के ऊपर जाता है, आपको 100% श्योर है कि मेरा 50 तो आना ही आना है, तो बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग है, आप तुक्का मत लगाइएगा, छोड़ दीजिए। आपका 50-60 आ जाएगा तो 60 में भी आपको आराम से कोई ना कोई पोस्ट, कोई ना कोई फोर्स मिल ही जाएगा, क्योंकि सीटें बहुत सारी है, तो आपका जितने भी चॉइस भरा है उसमें से एक आपको मिल ही जाएगा। अगर आपका नंबर थोड़ा सा भी कम आता है तब भी आपको फोर्स मिल सकता है, लेकिन ये है कि बशर्ते आप 50 के ऊपर आप आने का कोशिश कीजिए, 50 के ऊपर रखिए टारगेट, तो वैसे आप पूरा कर रखिए, ठीक है मेरे भाई, टारगेट तो पूरा कर रखेंगे, टारगेट आप जब पूरा कर रखेंगे ना तब जाके आपका कहीं 60-70 या कोई आपको फोर्स मिलेगा। अगर आप पहले से ही 50 सोच के चलेंगे ना, तो 50 सोच के चलेंगे तो आपको 40 भी नहीं आएगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 50 सोच के चलेंगे ना तो 40 भी नहीं आएगा, आपको पूरा टारगेट लेके चलना है 80 का। आपको जब 80 का टारगेट लेके चलेंगे ना आप, तब जाके आपका कहीं 60 या 70 आएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। आप टारगेट ऊंचा रखिए भाई, ख्वाब ऊंचा देखिए ना कि जो बिल्कुल सबसे अलग हो,
तभी तो हासिल होगा भाई, और उसको पाने का मज़ा भी अलग है। तो खाओ ऊर्जा देखिए 50-40 का मत टारगेट लेके चलिए। मेरे कई भाई मेरे को कमेंट कर रहे थे कि किसका मेरिट क्या जाएगा। मेरिट का बात मत कीजिए आप, बस अपने मेहनत को ईमानदारी से कीजिए, आपको पक्का फोर्स मिलेगा। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल करेगा आर्मी रिलेटेड, मैं उसका जानकारी देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव है कि मैं जो मेरे भाई लोग हैं जो मेरे को पूछा था कि किसका कौन सा मेरिट जाएगा, कौन सा पोस्ट पर आना चाहिए, तो भाई इसका ऐसा है पोस्ट जो है अभी भी बढ़ भी सकता है, कम भी, इसमें कोई फिक्स होता नहीं है। रही बात मेरिट की, तो मेरिट का भाई जिस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिएगा वो भी आप ही के ऊपर निर्भर है कि मेरिट आप कितना ले जाएंगे, किस फोर्स का कितना आएगा, आपके चॉइस भरने के ऊपर है। अगर आपने चॉइस अच्छा भरा होगा और अच्छे नंबर आपके आते हैं तो आपको अच्छी फोर्स मिलेगी, आपका अच्छी फोर्स में सलेक्शन होगा। ऐसे सब के लिए भाई 80 के ऊपर मान के चलिए, एनसीबी के लिए भी आप 70-75-80 के ऊपर ही मान के चलिए। सेफ होगा तो 70 तक आपका आ सकता है, 70-80 तक आ सकता है, बस बशर्ते वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन मेरिट उस हिसाब से उस टाइम क्या लगता है। इस बात को क्या खास से ध्यान रखिएगा। जो मेरे मुझे लगा कि ये पॉइंट मैंने आपने मेरे जो चैनल का जो मेरा परिवार है यूट्यूब चैनल का उसके शेयर करना मैं उचित समझा, तो इसलिए वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। अगर आपको ये मेरी जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगी हो कि जो मैंने प्रयास किया है आपको समझाने का, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आर्मी रिलेटेड चाहे SSC हो, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, अग्निवीर हो, तो फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी वाली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।